नमस्कार, क्या खरीदे क्या बेचे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। जून सीरीज की जहां तक बात है तो बाजार में काफी दमदार सीरीज देखने को मिली है, लेकिन जुलाई सीरीज का आगाज कैसा होगा और जुलाई सीरीज कैसी रह सकती है बाजार में, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम है, क्योंकि बहुत बड़े गेंस लेकर हम जून सीरीज का खत्म किया है, हमने एंड किया है और रिकॉर्ड हाइस पर क्लोजिंग देखने को मिली है मंथली एक्सपायरी की। तो जुलाई सीरीज कैसी रह सकती है जून सीरीज की मजबूत अंत के बाद, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें हमारी मदद करेंगे इसका जवाब जानने में एक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट नितिलेश पावस्कर जी जुड़ रहे हैं और वो हमें इसको डीकोड करने में हमारी मदद करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी नाइन पर। जी, पहले तो आप सभी को बधाई। निफ्टी ने फाइनली 24,000 का जो मार्क था, काफी दिनों से जो चर्चा की थी, उसके ऊपर मार्केट ने आज फाइनली मुकुट लगाया। बिल्कुल, और वो 24,000 का जो लेवल छुआ है वो छुआ है जून सीरीज की जो मंथली एक्सपायरी, वायदा बाजार की जो मंथली एक्सपायरी है उसके दिन छुआ है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि गुरुवार को बाजार कैसा था, यानी कि मंथली एक्सपायरी कैसी देखने को मिली है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि इस सीरीज में और आज के लिए किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स पर आपको खासतौर पर फोकस करना चाहिए। तो बाजार में हमने देखा जो मंथली एक्सपायरी हुई है वो काफ़ी मजबूत नोट पर देखने को मिली है। निफ्टी 176 अंक, सेंसेक्स 569 अंकों की मजबूती लेकर बंद होता हुआ दिखा है। दिन के दौरान तीनों इंडाइसिस ने रिकॉर्ड हाई टच किए थे। निफ्टी ने 24,087 का जो नया रिकॉर्ड हाई लेवल है वो इंटरडे में छुआ था। सेंसेक्स की पहली बार 79,000 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। और इंटरडे में बैंक निफ्टी ने भी 53,180.75 का जो नया रिकॉर्ड हाई है वो छुआ है। तो एक साथ तीनों इंडाइसिस में हमने देखा रिकॉर्ड हाईस इंटरडे के दौरान देखने को मिले हैं। इसके अलावा और कुछ डिटेल्स की बात करें तो आईटी, तेल गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसे थीम्स हैं जो कि बाजार में आज काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में थे। कुछ दिग्गज हैं जो कि बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं। लेकिन दिन की ऊंचाई से करीब करीब 370 अंक गिरकर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट बैंक निफ्टी लाल निशान में जाकर बंद हुआ था। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट खबरों का इम्पैक्ट था, एलटीआई माइंडट्री आईटी स्पेस से ये लीड कर रहा था और सीमेंट शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन था, उसमें ग्रासिम भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ रहा था। और इनके साथ साथ आप देखें तो एनटीपीसी भी इस पार्टी में शामिल था। आरआईएल इतना ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन फिर भी दिन के दौरान इस शेयर ने फिर से दूसरे दिन लगातार रिकॉर्ड हाई टच किया और 3,075 तक के जो लेवल्स हैं वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिले। हालांकि कुछ बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी जिस वजह से बाजार हायर लेवल से जरूर रिट्रेस होकर बंद हुआ, लेकिन दिग्गज आरआईएल का जो सपोर्ट है वो मार्केट में साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। अगर हम निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस जो कि कई दिनों से लगातार चल रहा था, वहां पर कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखी हैं। इसके अलावा एलएनटी और बजाज ऑटो ऑटो स्पेस से, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी के लूजर्स में शामिल था। एडवांस डिक्लाइन भी देखें तो आपको डिक्लाइंस वाले शेयर ज़्यादा नजर आएंगे। 1626 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे, बनस्पत उसके कि 841 शेयर मजबूती के साथ बंद हुए। तो एडवांस डिक्लाइन भी आप देखें तो बेरिश टोनी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी। और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहाँ पर प्रेशर साफ तौर पर नजर आ रहा है। करीब 300 अंकों की गिरावट लेकर स्मॉल कैप इंडेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली है। दूसरी तरफ जहाँ फ्रंटलाइन इंडाइसिस में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाईज बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक राहत की बात यह है कि रुपए में 11 पैसे के आसपास की हमने मजबूती देखी, क्लोजिंग जो है वो बढ़त के साथ देखने को मिली है। और वायदा बाजार की ओर चलें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि टॉप परफॉर्मर या गेनर लूजर थे उसमें इंडिया सीमेंट, जैसे अल्ट्राटेक की बात हुई, खबरों का इंपैक्ट इसमें भी था, मन्नापुरम, बॉश, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि वायदा बाजार के टॉप गेनर थे। इसमें आप चाहें तो OFSS यानी कि ओरेकल फाइनेंस को भी शामिल कर सकते हैं। और गिरने वाले शेयरों में वायदा बाजार में PNB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और चंबल फर्टिलाइजर, ये सबसे ज़्यादा आगे नजर आ रहे थे। और इसमें आप GNFC और हेवल्स जैसे स्टॉक्स को भी शामिल कर सकते हैं। इंडिया विक्स की बात करें तो करीब 0.25% के आसपास की मजबूती के साथ वहां क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक तरफ बाजार मजबूत था और उसके साथ साथ इंडिया विक्स में भी हल्की बढ़त के साथ यहां पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अहम सवाल ये है कि 24,000 के जो लेवल हैं वो हमने छू लिए सर, 24,000 का इंडेक्स हो गया, अब इसके ऊपर सस्टेन करना निफ्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर? देखो, जो भी तेजी आई है, पहले तो HDFC बैंक ने लीड किया था, उसके बाद रिलायंस ने उसमें पार्टिसिपेशन दिखाया और उस वजह से हम लोग देखेंगे तो 23,600 के बाद एक वन वे एक मोमेंटम 400-450 पॉइंट का हमें देखने को मिला। तो अभी के लिए निफ्टी में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 23,800 इंटैक्ट है। तब तक ये मोमेंटम जारी रह सकता है। एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, आज ही जाते जाते जुलाई एक्सपायरी में हम लोगों ने शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई
24,100 के आसपास का, क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ से मैक्स और यहाँ से थोड़ा सा 100 125 पॉइंट का एक रैली पेंडिंग है, तो वहां पे हम लोग 24,300 तक एक प्लान करके चल गए कि यहाँ पे थोड़ा सा एक काउंटर प्लान किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम लोग प्लान करेंगे तो ये हमेशा हमने देखा है कि जब भी मार्केट एक राउंड नंबर को टेस्ट करता है तो वहां से सब जगह पे बाइंग आना चालू हो जाता है, हर कोई एक बुलिश मोमेंटम लेके जाता है और सबको लगता है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा। लेकिन जब भी हमने देखा है कि डर खत्म होता है तभी कुछ ना कुछ होता है, तो इस बेसिस के ऊपर राउंड नंबर साथ साथ एक एक्सटेंडेड रैली, इस हिसाब से हम लोगों ने 24,100 से लेके 24,300 ये लेवल के आसपास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। 24,400 हमारा स्टॉप लॉस होगा, आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी जिनका भी लॉन्ग है वो 23,800 23,850 ये लॉन्ग के साथ अपने पोर्टफोलियो या फिर जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे फिसलता है तो थोड़ा सा फिर एक डीप 23,400 तक भी हमें क्या हो सकता है देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो ही इसमें आपको क्या मिलेगा, चर्निंग की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। कभी सीमेंट चल रहा है, बीच में फर्टिलाइजर चला था, आज आईटी पैक ने थोड़ा सा ये दिखाया था, उसके पहले ऑटो चल रहा था, तो वहां पे आपकी नजर होनी चाहिए कि कौन से स्टॉक पे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो रहे हैं। क्योंकि हर जगह पे पैसा नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स में मुनाफा वसूली भी हमें देखने को मिल गई। जैसे कि आज मैं एक शो पे जा रहा था तो पॉलीकैब मुझे शॉर्ट देना था, 1:15 बजे मेरा 1:30 बजे का शो था, 1:15 बजे जस्ट मैंने उसको नोटिस करवाया, सीधा वहां से वो 200 पॉइंट गिर गया। तो वैसे ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं तो वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, कुछ स्टॉक्स होंगे वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, निफ्टी में जब तक 23,800 का लेवल इंटैक्ट है तब तक आप 23,800 23,850 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट 24,100 24,300 ये हायर लेवल्स हैं जहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में भी सोचा जा सकता है। सर चिंता की बात ये है, इंडेक्स 24,000 का हो गया वो उतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स जो पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हैं, एक दिन मिड कैप इंडेक्स नीचे बंद होता है, एक दिन स्मॉल कैप इंडेक्स में लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो जो ब्रॉडर मार्केट्स में एक जो पेन है, जो वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स हैं, जो अलग अलग वार्निंग्स आ रही हैं, जो कॉशियस मूड देखने को मिल रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की ओर से, वो कितना बड़ा पेन पॉइंट है आपको लगता है? आपको भी लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप की रैली खत्म हो चुकी है, तेजी खत्म है, वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, दूर रहें वही बेहतर है? देखो डेफिनेटली यहाँ पे दूर रहना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। देखो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, मार्केट एक सडन मोमेंटम दिखा रहा है और हायर लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, जो भी आपका पोजीशन है वहां पे मुझे लग रहा है कि एक डीप यहाँ से पेंडिंग है। क्योंकि हमने एक जो मोमेंटम दिखाया है इलेक्शन के बाद 21,000 से लेके हम लोग 24,000 तक आ चुके हैं, और कुछ स्टॉक्स तो ऑलमोस्ट 40-50% भी रन अप दे चुके हैं, तो वहां पे मेरे हिसाब से लग रहा है कि सतर्क होना चाहिए। देखो लार्ज कैप या फिर बड़ा वाला इंडेक्स पहले नहीं गिरेगा, जब भी मार्केट में कुछ निगेटिव होता है तो पहले मिड कैप और स्मॉल कैप ही इंडिकेशन देते हैं, वहां पे पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद जो लास्ट कैप होता है उसमें हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो पहला अगर करेक्शन आना होगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आएगा, वही इंडिकेशन होगा कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे थक सकता है या फिर एक करेक्टिव मूव दिखा सकता है। सर आपने कुछ सेक्टर्स की बात करी, उसमें आईटी एक ऐसा है जो कि डिसाइसिवली अब बाइंग की लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है, जहां पे बुल्स की नज़र काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। कल के सेशन में भी देखें जो एक्सपायरी हुई है, निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो एलटीआई माइंडट्री ये सेकंड टॉप गेनर था, करीब 4% के आसपास की तेज़ी थी। विप्रो, इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, इसके अलावा आप देखें टेक महिंद्रा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे थे पॉजिटिव साइड में। तो आईटी में हम देख रहे हैं कि अब डिसाइसिव बाइंग की तरफ जो इशारा है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स आईटी सेक्टर में जो आपने चुने हो, या आपको लग रहा हो कि यहाँ पे अब नई तेजी की शुरुआत हो रही है, जो मंदी का दौर है, जो बुरा दौर है वो खत्म हो चुका है? देखो आज मैंने विप्रो को रिकमेंड किया है, मुझे लग रहा है कि 500 505 के आसपास कुछ रिकमेंड किया होगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम विप्रो में पिकअप होना चाहिए। मेरा जो टारगेट है, पहला जो इनिशियल टारगेट है वो 530 रुपए का है 1-2 दिन के लिए, लेकिन इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो इसको पोजिशनल बेसिस के ऊपर 650 के लेवल के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग प्लान कर सकते हैं। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, क्लाइंट टू की पोजिशन से 380 400 इस रेंज में मैंने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। दूसरा जो काउंटर है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में अगर हम लोग देखेंगे तो 2022 में एक ब्रेकडाउन आया था अप्रैल में, तो उस लेवल के ऊपर अभी ये क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है,
तो कल या फिर परसों मतलब मंडे के दिन हम लोग प्लान करेंगे कि अगर ये 1430 के ऊपर सस्टेन रहता है तो 1380 के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग प्लान करेंगे। पहला जो टारगेट होगा होगा 1550 1580, ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे। अभी के लिए कोई भी पोजीशन सीधा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ना बनाए, वेट एंड वॉच करें, कैश में थोड़ा थोड़ा करके पोजीशंस लेना चाहिए। ओके, तो ठीक है, एक तो है विप्रो जहाँ पे काफ़ी अच्छे पोजीशंस बनते हुए दिख रही हैं आईटी साइड में, और दूसरा है टेक महिंद्रा जिसमें इवेंचुअली हो सकता है कि 1580 तक के जो टारगेट्स हैं वो आते हुए दिख सकते हैं। तो फ्यूचर्स में बाद में खरीदारी करें, पहले कैश में कह रहे हैं निथलेश सर कि आप वहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, ये शायद बेहतर रणनीति हो सकती है। तो आईटी सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि मजबूती दिखा रहा है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑटो तो एक है ही है जो कि 2 दिन से लगातार कमजोरी दिखा रहा है। उसके साथ साथ पीएसयू बैंक शेयरों पे मैं बात करना चाहूँगा। पीएसयू बैंक शेयरों में कल भी हमने देखा कि मार्केट रिकॉर्ड हाई पे था, एक्सपायरी का दिन था, ज़्यादातर सेक्टर्स परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे, लेकिन पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे थे कि कमजोरी के साथ ही कारोबार देखने को मिला था। पीएनबी तो इनफैक्ट वायदा बाजार के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों की सूची में भी शामिल था। तो ये जो कमजोरी हो रही है ये खरीदारी का मौका है क्योंकि पीएसयू नाम जुड़ा हुआ है, टैग जुड़ा हुआ है जो कि बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है अगर हम पिछले 1 साल की बात करें। तो इसमें अब गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए या फिर मुनाफा वसूलने जहां जहां पीएसयू या पीएसयू बैंक लगा हुआ है। देखो वहां पे मुनाफा वसूली करना चाहिए, लेकिन लोअर लेवल के ऊपर अगर अट्रैक्टिव लेवल मिलते तो जहाँ पे वीकली ब्रेकआउट या फिर मंथली ब्रेकआउट हमें देखने को मिले थे वहां पे लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक तेजी से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी सबका जो व्यू होगा वो बजट रैली के हिसाब से सब लोग अभी व्यू लेके मार्केट में चलेंगे। लेकिन बजट के पहले एक थोड़ा सा मुझे करेक्टिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है ऐसा लग रहा है। तो जहाँ पे भी कुछ लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो वहां पे एग्जिट करने की राय होगी। बैंकिंग में अगर हम लोग देखेंगे आज पीएनबी भी गिर रहा था, कैनरा बैंक भी गिर रहा था, और मुझे लग रहा है कि अगला नंबर एसबीआई का हो सकता है। अगर ये 840 835 ये लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो एक बार के लिए एक डीप 800 तक दिखा सकता है, 800 780 ये लेवल्स भी क्या कर सकता है, छू सकता है। उसके बाद देखेंगे स्टॉक फिर से अगर ये 850 के ऊपर निकलता है तो फिर वहां पे बेस फॉर्मेशन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का इलेक्शन डे रिजल्ट के आसपास जो उसने लू लगाया था वो लोगों को वॉलेट नहीं करेगा, फिर वहां से एक मोमेंटम मिल सकता है। दूसरी बात पीएसयू में अगर हम लोग देखेंगे आरएसी पीएफसी हो गया, वहां पे भी थोड़ा सा एक मोमेंटम अभी एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ही हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि मार्केट अभी कैसे रिएक्ट करता है। आरएसी में अगर हम लोग देखेंगे तो जब तक 500 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है तब तक थोड़ा सा आप इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर डाउनसाइड मोमेंटम चालू हो गया 500 के नीचे अगर ये सस्टेन हो गया तो फिर से लोअर लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आरएसी में 500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये लेवल ब्रीच हो गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग डिसाइसिव हो जाएगी। और उसके साथ साथ एसबीआई, क्योंकि आज पीएनबी कल के सेशन में पीएनबी और कैनरा बैंक गिरे थे, तो एसबीआई के लिए 840 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो फिर नीचे में 800 और 780 तक की जो जगह है वो भी खुल जाती है, और ऊपर की ओर 850 का जो लेवल है वो एक बेस फॉर्मेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रेंज है 840 से 850 की, ये एसबीआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अहम निकल के सामने आ रही है। अब फोकस करते हैं आज के ऊपर, आज किस तरह से तैयारी करनी है, आज क्योंकि जुलाई सीरीज की शुरुआत भी हो रही है, तो आज कैसा रहेगा बाजार, आज किन सेक्टर स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, और पूरी जुलाई सीरीज की अगर हम बात करें तो किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में पैसा बनेगा, कहाँ पे मुनाफा वसूली करनी है, कहाँ खरीदारी करनी है, इन सब पे चर्चा करते हैं। सर पहले तो जुलाई सीरीज की जहाँ तक बात है तो निफ्टी के लिए कौन से लेवल अहम होंगे? आपको लगता है कि 24,000 पार हो गया तो एक बड़ा हर्डल पार हो चुका है, तो अब हम ब्लू स्काई जोन में हैं, या आपको लगता है कि अब यहाँ से जो लेवल है अगले लेवल हासिल करना और भी कठिन हो जाएंगे निफ्टी के लिए? देखो अगर आज मार्केट क्या ओपन होता है या फिर कुछ भी ओपन होता है 60-70 पॉइंट का, तो वहां पे मैं डेफिनेटली कॉन्ट्रा प्ले करना पसंद करूंगा, क्योंकि जनरली हम लोगों ने देखा है कि राउंड नंबर जैसे ही पार करता है तो वहां पे मार्केट में एक नए लोग जो होते हैं उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, और जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वहां पे अपनी पोजिशन को क्या करते हैं हल्की करते हैं। तो आज अगर मार्केट 24,170-160 फ्यूचर्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे अगर ओपन होता है तो वहां पे हम लोग बिकवाली करके जा सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 23,800 का टारगेट हम लोग क्या कर सकते हैं प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बैंक में अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट जो लेवल है 53,000, उस लेवल के हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल गई। और लास्ट अगर आप 15 मिनट का चार्ट भी देखोगे तो एक कंटिन्यूअस एक रेंज में ही बैंक निफ्टी हमें देखने को मिला। तो अगर बैंक निफ्टी कल 53,000
52,700 ये लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू कर देते तो 52,500, और 52,500 अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो थोड़ा सा और एक डाउनसाइड टिप हमें देखने को मिल सकता है। तो वहां पे देखना पड़ेगा कि मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है। अगर 51,800, 52,000 यहाँ पे कुछ बुलिश मोमेंटम बनता है तो हम लोग वहां पे भी छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करने की कोशिश करें। ओके तो कॉन्ट्रा कॉल लेने की राय यहाँ पे आ रही है। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है 24,170 160 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। उस केस में जो पहला टारगेट होगा निफ्टी का नीचे की ओर 23,800 का होगा, और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है अगर 52,700 का लेवल टूट जाता है, क्योंकि 52,811 की क्लोजिंग हमने कल देखी थी, 52,700 टूट जाएगा तो फिर 52,500 तक के जो लेवल्स हैं वो भी मार्केट्स में देखने को मिल सकते हैं। ये सर इंटरडे की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये मेरा 1 से 2 दिन का व्यू होगा। मतलब मैंने जो क्लाइंट्स को बोला है कि 7 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक हम लोग थोड़ा सा इसमें पोजीशंस को होल्ड करेंगे। ठीक है। कल के बाज़ार में और इनफैक्ट परसों के बाज़ार में भी देखें, 2 दिन से लगातार आप देखें तो एक हैवी वेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, लगातार मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी टाइम से शांत था, बहुत समय से इसने अपने 3,000 का जो लेवल है उसे पार नहीं किया था, लेकिन अब 2 दिन से डिसाइसिवली हम देख रहे हैं 3,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। इनफैक्ट कल तो रिलायंस ने 3,075 का जो नया रिकॉर्ड हाई है वो भी टच किया है। आपको क्या लग रहा है सर, ये 3,000 का लेवल पार होना डिसाइसिवली 2 दिन उसके ऊपर की क्लोजिंग, क्या नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है ये दिग्गज? देखिए, स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम लग रहा है कि यहाँ से और आ सकता है 3150, 3200 ये लेवल्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते, लेकिन कंडीशनल बाय करना पड़ेगा। कल अगर ये डीप मिलता है 3020 के आसपास और फिर से अगर 3050 के ऊपर निकलता है तो 3000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट माना जाएगा और उसी स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग करके चल सकते। फिर 3150 और 3200 ये टारगेट हो सकते हैं। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है, कुछ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी मैंने रिकमेंड किया था 2500 के आसपास, 3200 के टारगेट के लिए। तो एक मोमेंटम के हिसाब से हमें देखना चाहिए रिलायंस में। देखो, रिलायंस भागेगा तो निफ्टी भी भागेगा, 3200 के टारगेट है। इस वजह से हमने प्लान किया है कि 2400 से लेके 2300 ये रेंज में हमें क्या करना है, बिकवाली करना है। अगर आप पिन पॉइंट बिकवाली करने जाओगे तो क्या होगा, आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। तो रेंज में बेचना हमेशा के लिए, रेंज में लेना या फिर रेंज में बेचना हमेशा के लिए अच्छा। मतलब आप कह रहे हैं टुकड़ों टुकड़ों में मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी में जो रेंज की आप बात करें स्टैगर्ड वे में, चाहे आप खरीदारी करें चाहे बिकवाली करें, रेंज इसीलिए आप कह रहे हैं स्टैगर्ड वे में। जी ठीक है, तो रिलायंस में आप कह रहे हैं कि 3,150 3,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, डिप्स पे खरीदना है 3,020 के आसपास, क्योंकि 3,057 की क्लोजिंग हमने कल देखी थी और उस केस में फिर जो स्टॉप लॉस हैं वो और भी नीचे के आपके बनते हुए नज़र आ सकते हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार होता है जिसमें 3,200 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। वायदा बाजार की ओर आते हैं सर, इंडिया सीमेंट्स 2 दिन से लगातार चल रहा है, खबर थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है, 23% हिस्सेदारी खरीदी गई है, 267 रुपये पर शेयर के भाव पर ये हिस्सा खरीदा गया है, और उसके साथ साथ एक बड़ी ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी थी दिन के दौरान, जिस वजह से हमने देखा स्टॉक में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखा था, 11% के आसपास का अप मूव लेके ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा था। तो एक इंडिया सीमेंट्स और उसके साथ साथ बाकी जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उन पर आपकी क्या राय होगी, और बाकी स्टॉक्स पर मैं फिर बाद में चर्चा करता हूँ, क्योंकि इंडिया सीमेंट के साथ हमने देखा अल्ट्राटेक भी चल रहा था, ग्रासिम भी चल रहा था, और बाकी सीमेंट स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा था। देखो, इंडिया सीमेंट के बारे में पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि इंडिया सीमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो 300 का एक रेजिस्टेंस है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक आज नहीं 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 300 से लेके 290-285 इस रेंज में, और उसके बाद अगर ये निकाल देता है तो इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। जो सितंबर 2022 के हाईस थे उसके ऊपर मार्केट क्या करेगा, सस्टेन करेगा, फिर यहाँ से एक बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल सकते 360 के लेवल तक। क्योंकि इसका जो एक्चुअल ब्रेकआउट आया था वो 230-240 के आसपास ब्रेकआउट आया था। तो अभी चेस करना थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है एक साइड इंडस्ट्री में परसों के दिन एक न्यूज आया था, स्टॉक को 625 के आसपास लेके चले गए, फिर स्टॉक 560, ऐसा ही एक नजर आ रहा है कि जहां पे एक मोमेंटम दिख रहा है 10-15% स्टॉक ऊपर जाता है और न्यूज आता है और वहीं से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। एचएल में भी मैंने सतर्क किया था जब उसको एक बड़ा ऑर्डर मिला था 5,500 का, जो एक राउंड नंबर था या फिर एक फैंसी नंबर था, उसको ब्रेक करने के बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो ऐसे जब भी न्यूज आता है या फिर ऐसा कुछ बड़ा उछाल आता है,
हमेशा कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ही इसमें मैं लेना पसंद करूंगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, लेकिन इंडिया सीमेंट का स्ट्रक्चर अच्छा है तो कंसोलिडेशन के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वहां पे हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। इंडिया सीमेंट मेरा प्रेफर होगा। और रही बात दूसरा सीमेंट सेक्टर, कल अगर ग्रासिम का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, मतलब आज के दिन अगर ग्रासिम में थोड़ा सा एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, तकरीबन 2620 के नीचे, 2620 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो मैं इसमें शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। 2650 ये मेरा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। फिर हम लोग टारगेट प्लान करेंगे 2580 से लेके 2550, मतलब यहां तक एक बार के लिए ग्रासिम आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है सीमेंट एज अ पैक में। इंडिया सीमेंट अगर कंसोलिडेशन के बाद कोई ब्रेकआउट होता है तो ये सीमेंट एज अ स्पेस में इनकी प्रिफर्ड पिक होगी। ग्रासिम में भी शॉर्ट करने की राय दी गई है और आपको लेवल्स भी सर की ओर से शेयर किए गए हैं। इसके अलावा सर, सीमेंट एज अ पैक के अलावा आप देखें तो बॉश का शेयर भी कल लाइमलाइट में था। माना जा रहा है कि बॉश की जो जर्मन पेरेंट कंपनी है वो वर्लपूल की जो यूएस की पेरेंट कंपनी है उसके लिए एक टेक ओवर बिड लेके आ सकती है, टेक ओवर कर सकती है, उसे बोली लगा सकती है उसके लिए। तो इस वजह से हमने देखा कि बॉश के साथ साथ वर्लपूल में भी कल 20% तक का आप मूव देखने को मिला था। तो बॉश और वर्लपूल, इन दोनों में से कोई स्टॉक जो आपके रडार पे हो? नहीं, दोनों स्टॉक को मैं दोपहर में स्टडी कर रहा था क्योंकि इन स्टॉक के बारे में न्यूज था तो हर जगह से कुछ ना कुछ मैसेजेस आ जाते हैं कि स्टॉक को आइडेंटिफाई के लिए। लेकिन यहाँ पे वर्लपूल में भी अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिला है, तो ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक तकरीबन ओपन हुआ 2200 के आसपास और जो क्लोजिंग दिया है 2000 के आसपास, मतलब हायर लेवल से एक 10% का एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हायर लेवल से फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिल सकता है। इन स्टॉक को लेना होगा तो एक प्रकार से ले सकते हैं कि 1900 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 1900 को ब्रेक करके फिर अगर ये 1920 1930 ये लेवल के आसपास अगर ऊपर निकलता है फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 1880 का। फिर हम लोग बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे 2100 से लेके 2200, मतलब यहाँ पे सब ट्रैप होने चाहिए। जो भी फ्रेश बायर्स मतलब वीक बायर्स आए थे उनको एक बार मार्केट निकालना चाहिए। जब भी ऐसा होता है तो ही स्टॉक में बढ़िया तेजी या फिर मंदी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वीक हैंड जब तक मार्केट में रहेंगे तब तक बाजार पहले उनको निकालने की कोशिश करेगा, उसके बाद ही एक मोमेंटम। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गिरावट का वेट करें वर्लपूल के लिए अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। तो बॉश के लिए भी ये राय है, हालांकि बहुत बड़ा स्टॉक है सर, इसका प्राइस बहुत बड़ा है, मतलब प्राइस वाइज ये 35,705 पर बंद हुआ, 4.5% का आप मूव था कल। दिन के दौरान हमने 36,678 तक का जो लेवल है वो भी इसमें आता हुआ दिखा है। बहुत वॉल्यूम कम होते हैं इसमें, लेकिन जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, क्या राय होगी इसके में, रुकना चाहिए थोड़ा सा, थम जाएँ उसके बाद खरीदें इसको? देखो जनरली हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई कंपनी एक्वायर करती है या फिर जो भी कुछ चीजें होती है तो एक जो कंपनी होती है उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। तो बॉश के हिसाब से मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी, और ये डील कैसे रिएक्ट करती है उसके ऊपर देखना पड़ेगा, कितना कुछ एक्सचेंजेस हो रहा है, क्या वैल्यू है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि पिछला एक टॉप जो था 35,000 के आसपास बॉस ने बनाया था उसको मार्केट ने क्रॉस करके एक हायर लेवल से एक शैडो बनाया, तो ये जनरली इंडिकेट करता है कि डबल टॉप का फॉर्मेशन, तो उस हिसाब से वेट करते हैं। स्टॉक में बढ़िया अपॉर्चुनिटी स्टॉक में है तो इस स्टॉक से थोड़ा सा हम क्या करेंगे दूरी रखेंगे। ठीक है, तो बॉश में काफ़ी अच्छा मूव आ चुका है, थोड़ा वेट कर लें। और चूंकि एक्विशन की बात चल रही है, थोड़ा डिटेल्स आने दें किस वैल्यू पे, किस भाव पर एक्विशन होता है, उसके बाद फिर इसमें पोजीशन बनाई जाए तो वो शायद ज़्यादा बेटर हो सकता है। वायदा बाजार के लूजर्स की बात करें सर, तो चंबल फर्टिलाइजर, पीएनबी की बात आपने करी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जीएनएफसी, हेवल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कल के बाजार में लूजर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। इन शेयरों में कोई ऐसा स्टॉक जो आपने आइडेंटिफाई किया हो जिसमें गिरावट पर खरीदारी कर सकते हो या फिर जो शॉर्ट का कैंडिडेट हो? देखो चंबल एक्चुअली मिस हो चुका है क्योंकि जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आता है और स्टॉक में 8-10% का एक अपसाइड मोमेंटम दिखाता है और फॉलो बाइंग नहीं आता तो जनरली मैं वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। लेकिन चंबल में अगर हम लोग देखेंगे 510 या फिर 515, 510 515 अगर फिर से रिगेन होता है तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉक 490 के नीचे सस्टेन होता तो यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, फिर स्टॉक अपना जो प्रीवियस
रेजिस्टेंस एरिया था 430 450, ये लेवल पे क्या हो सकता है, जा सकता है, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 440 से लेके 430, जहाँ पे एक मार्केट ने गैप छोड़ा था वीवो के हिसाब से। अगर हम लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.5 का लेवल भी, हाँ 0.5 का लेवल भी, 0.5 0.6 लेवल वही उसी रेंज में आ रहा है, वहां पे बाइंग किया जा सकता है। 420 आपका स्टॉप लॉस होगा, तो वहां पे लेवल के हिसाब से आप पोजीशंस बना सकते हैं। ओके ठीक है, ये तो बात हुई वायदा बाजार की और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो सर आप चुन के लाए हैं हमारे के हमारे लिए, और ऐसे सेक्टर्स या स्टॉक्स जो कि आज के लिए छोटी अवधि के लिए या पूरी जुलाई सीरीज में लाइमलाइट में रह सकते हैं, जहाँ पे खरीदारी या बिकवाली करने की राय आप देंगे? देखो आरबीएल बैंक मुझे पसंद आ रहा है। आरबीएल बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो 250 55 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन वाला एरिया बना रहा है, और जहां पे गैप डाउन हुआ था 21 22 जून के आसपास, तो वही जो गैप था स्टॉक ने क्या किया है, आज फिलअप किया है एग्जैक्टली। तो कल अगर ये स्टॉक 263 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से स्टॉक में एक मोमेंटम पिकअप होगा, 260 का स्टॉप लॉस होगा, 269 से लेके 276 ये हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए। और दूसरा जो काउंटर होगा वो काउंटर इंडिगो होगा मेरा। इंडिगो में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्टिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 4200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 0.5 0.6 जो फिबो का लेवल है, अगर हम लोग बॉटम से लेके टॉप तक लगाते हैं तो उसी एरिया को मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन होते हैं 4200 के आसपास, 4240 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे, 4080 हमारा क्या होगा टारगेट। चलिए, तो दो स्टॉक्स हैं जो कि नितिलेश जी हमारे लिए चुनकर लेकर आए हैं, एक खरीदारी की राय है, एक बिकवाली का कॉल है, और दोनों ही कंडीशनल हैं। अगर आप आरबीएल बैंक की बात करें तो ये 263 के ऊपर खरीदना है, उस केस में आपका स्टॉप लॉस 260 का होगा, 269 275 के टारगेट दिए गए हैं, और इंडिगो में आपको बिकवाली करना है, जिसे आप इंटरग्लोब एविएशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन 4200 का लेवल टूटने दीजिए, नीचे आने दीजिए, उसके उसके नीचे आपको बेचना है, उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा फिर ऊपर की ओर 4240 का है, और नीचे में जो टारगेट बनेंगे वो 4080 तक के देखने को मिल सकते हैं। क्या व्यू है सर, ये पूरी सीरीज के व्यू हैं या छोटी अवधि में आ जाएंगे टारगेट? नहीं, ये 2 से 3 दिन के लिए मैं व्यू लेके चल रहा हूँ। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था ग्लेनमार्क का, तो वहां पे एक बार ऊपर जाके फिर से उसने जो हमारा जो टारगेट था वो टारगेटेड किया। बीएलबी में हम लोगों ने कहा था 310 312 ये लेवल के आसपास यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं, वो भी 300 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा 2 3 दिन देना चाहिए क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है थोड़ा सा अभी मोमेंटम उसका स्लो हो सकता है। चलिए ठीक है सर, तो आरबीएल बैंक में खरीदारी करनी है लेकिन इंडिगो में उसके सामने बिकवाली करनी है, 2 से 3 दिन में ये लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे स्टॉक्स रिकमेंड करने के लिए, बातचीत करने के लिए बाजार के ऊपर और अपना समय देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? नहीं, जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं मेरा पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है, क्लाइंटों का पोजीशंस हो सकता है, इंडेक्स में मैं जनरली ट्रेड करता हूँ तो इंडेक्स में मेरा पोजीशन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जून सीरीज की जो क्लोजिंग हुई है, जो जून सीरीज का अंत हुआ है, बड़ा ही दमदार हुआ है, और जुलाई सीरीज में भी हो सकता है कि निफ्टी में 24,100 24,300 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब शॉर्ट करने की राय भी निकल के सामने आने लगी है, यानी कि हायर लेवल्स पे निफ्टी में एक रेंज में, एक दायरे में आप शॉर्ट पोजिशन भी बना के चलें तो वो शायद बेहतर रणनीति हो सकती है, क्योंकि बाजार में हो सकता है कि अब थोड़ा सा मुनाफा वसूली आती हुई दिखे या फिर थोड़ा सा दबाव जो है वो हायर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको कॉशियस रहना है। जहाँ तक जुलाई सीरीज की बात है, अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलें। तो आज आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।